Finally back to home. Amazing restaurant, na? और best part तो ये है कि घर के इतना नजदीक है, जब मन चाहे जा सकते हैं। ये सही है बेटा, लगता है मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा। एक मिनट, ये लाइट हो भी इस फार्म हाउस में? बड़ी अजीब बात है यार, यहाँ तो सालों से कोई नहीं रह रहा। हाँ। तो ये लाइट कौन मार रहा है? लगता है कोई हमें सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, पर क्या हो सकता है ये? चलो चल के देखते हैं। कुछ तो गलत है, हमें तुरंत अंदर जाकर देखना चाहिए। ये क्या, ऊपर कोई और बाहर से ताला लगा है? कुछ करिए ना प्लीज, हमें अंदर जाना चाहिए। हेलो, कोई है अंदर? कोई है ऊपर? इसको तोड़ना पड़ेगा लगता है। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। हाँ, लेकिन हमें ऊपर जाके देखना चाहिए। हाँ, एक मिनट। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? कौन है ऊपर? अरे, तुम्हारी ये हालत किसने की? कौन है तुम? मेरी मदद करो, वो मुझे मार देगा। तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? कौन मार देगा तुम्हें? मार देगा। कौन? वो मुझे मार देगा। घबराओ नहीं, पुलिस को बुलाना चाहिए हमें। टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी यहाँ से मुझे बाहर निकालो, वरना चलो 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 यहाँ से। चलो, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं। प्रेम, उसके हाथ में चाकू है। प्रेम, कौन हो तुम? कौन हो तुम? चाबी भी नहीं। नेहा दीदी, प्रेम साहब, गाड़ी यहाँ पे है तो प्रेम साहब भी तो अंदर होंगे ना? नेहा दीदी, प्रेम साहब, पीछे के रास्ते से देखती हूँ, शायद दरवाजा खुला। नेहा दीदी, नेहा दीदी, गए कहाँ ये लोग? लगता है अंदर से बंद है, क्या करूं? नेहा दीदी, नेहा दीदी, गाड़ी भी साहब के यहीं खड़ी, बगैर बताया तो कहीं जाते नहीं है, गए तो गए कहाँ ये? क्या है? Yeah.
वेलकम वेलकम अर्जुन एंड लविना. राजेश कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? कैसा है मेरा भाई? मैं ठीक हूँ यार, बहुत दिन बाद. वैसे क्या बात है यार, तुम लोग आज भी उतने हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहे हो जैसे 10 साल पहले थे. थैंक्स यार, तुम दोनों आ गए. वैसे एक बात बता कि कोई और भी है या बस हम ही तीनों इस पार्टी में? राजेश इसे क्यों यहाँ पे बुलाया? इसे क्यों बुलाया मतलब? यार सब दोस्तों को बुलाया है तो ये भी तो आएगा ही ना. यार शेखर हम सब इतने सालों बाद मिले हैं यार, तो प्लीज वो सब बातें शुरू मत कर देना. हाँ शेखर, और वैसे भी उस बात को 10 साल हो चुके हैं. इस अर्जुन की वजह से जो भी मेरी मीरा के साथ हुआ है ना, तुम लोग उसे भूल सकते हो. मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊं. मीरा! राजेश अगर मुझे पता होता ना कि ये घटिया आदमी भी यहां आने वाला है तो मैं यहां पैर भी नहीं रखता. देखा राजेश, आज भी ये उतना ही घमंडी है, बिल्कुल भी नहीं बदला. इसे घमंड नहीं, इसे गर्व कहते हैं. और तुझ जैसा छोटा आदमी ये सब क्या समझेगा? देख अर्जुन, तू ना अपनी औकात में रह, समझा? नहीं तो वरना ना मैं तुझे ना क्या करेगा तू? क्या करेगा? अर्जुन रुको, औकात में रह अपनी. यार तुम लोग बच्चे नहीं हो, अगर साथ नहीं रहना है तो ना सही, लेकिन दूसरों का मजा मत खराब करो. एंड प्लीज यार, तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो. यार फ्रेंड्स आए हुए हैं और तुम झगड़ा करने में लगे हुए हो. अर्जुन मेरी बात तो सुनो. अर्जुन आपने फोन किया था? हाँ साहब, मैंने फोन किया था साहब. यार एक दुपट्टा मिला खून से सना हुआ. खून से सना? लगता है आदमी खोदी गई जमीन. लगता है पड़ोस में पार्टी हो रही है. Yes, nice party, man. Thank you. बड़ी छुपी रुस्तम निकली. मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा तूने वीर से शादी कर ली. कॉलेज में कैसे पीछे पीछे भागता फिरता था तेरे. वैसे तुझ जैसी मॉडल कहाँ हमारे नसीब में. सोचा मेहनत वहां की जाए जहां पर है ना फल ज्यादा मिलता है. चल अच्छा है, तेरी मेहनत रंग तो लाई. एक्सक्यूज मी, क्या मेहनत? वो तो मैंने तरस खा के हाँ कह दी, वरना मेरे पीछे भागते भागते कहीं इनको कुछ हो जाता तो जेल तक मुझे जाना पड़ता ना. मैं एक मिनट में आता हूँ. हाय लवीना. हाय धर्म. अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह. थैंक यू. कैसे हो तुम? मैं वैसे ही जैसा तुम छोड़ के गई थी. धर्म वो इट्स ओके, जरूर तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन पता है मुझे पूरा यकीन था कि किस्मत हमें दोबारा जरूर मिल पाएगी. देखो आज हम साथ हैं. धर्म मेरे भाई कैसा है तू? ठीक. तो आखिर मौका देख के आज तूने चौका मार ही दिया है ना? आज मेरी बीवी से फाइनली तू मिल ही लिया ना? बीवी? तुमने अर्जुन से शादी कर ली? क्यों?
इसने बताया नहीं तुझे? क्यों लवीना, क्यों छुपा रही हो इससे? कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेट्स। पूरा घर छान मान लिया सर, घर के अंदर कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो खोदो इसको। हाँ सर, खोदो खोदो। क्या सीखिए, देखो देखो सर, कुछ मिलता है क्या सर? इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था, मुझे पता था मुझे देखेंगे, काम पर लगा देंगे। गाइस यू एंजॉय, मैं देखता हूँ। मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। क्या बात है सर? ये आपके पड़ोस वाले फार्म हाउस में एक पति पत्नी गायब है और उनके बंगले में हमें एक दुपट्टा मिला है, खून से सना हुआ। खून से सना हुआ दुपट्टा? हाँ, यही पूछने आया था कि कल रात आपने यहाँ पे कुछ अजीब देखा या फिर कुछ सुना हो जो आपको अजीब लगा। नहीं सर, कल तो मैं था ही नहीं। एक्चुअली सर मैं यहाँ पर रहता नहीं, मैं बस आज ही आई हूँ अपने दोस्त के साथ पार्टी करने। ठीक है, थैंक यू, जरूरत पड़ी तो हम फिर परेशान करने आ जाएंगे। अभिजीत, वहां पे ना किसी ने कुछ देखा है ना कुछ सुना है, आज सुबह ही आए हैं सब। सर, लाश। नेहा मैडम। गला काट के मारा ऐसे? पर साहब, नेहा मैडम को कोई क्यों मारेगा? वो भी पता चल जाएगा। आपने आखिरी बार कब देखा था साहब को और मैम साहब को? साहब, कल शाम को 7 बजे जब मैं घर से जा रही थी। मतलब इसका खून कल रात को ही हुआ होगा, तो इसका पति कहाँ है फिर? सर हो सकता है नेहा को मार के भाग गया हो। नहीं नहीं मैडम, वो तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे नेहा मैडम को, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। कोई और बात है मैडम। लगता मैंने इस सैंडल का हील वहां सामने वाले बंगले में देखा। हेलो, कल रात नेहा यहाँ पे आई थी। मिस्टर राजेश, हमें आपकी पड़ोसी नेहा की लाश मिली है, बैकयार्ड में गड़ी हुई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, और ये कैसे हुआ है इसका जवाब आप लोग देंगे। हम लोग कैसे बता सकते हैं सर, हम सब तो आज ही फार्म हाउस आए हैं। अच्छा, मतलब कल रात यहाँ पर कोई भी नहीं था? नहीं सर, और मैं यहाँ रहता भी नहीं, और ये फार्म हाउस भी बंद ही रहता है। लेकिन हमारे पास पक्का सबूत है, कल रात नेहा यहीं पे थी और उसकी मौत यहीं हुई थी। हमें दरवाजे के पास खून के निशान मिले हैं और ये टूटा हुआ सैंडल जो उसने कल रात पहना था। खून? राजेश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता, और तुम सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये तो लवीना की आवाज है। अर्जुन, 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 मैम प्लीज। अर्जुन,
आखिरी बार अर्जुन को कब और किसने देखा था? सर ये हम लोग के साथ लिविंग रूम में पार्टी कर रहा था, अचानक यहाँ कैसे आ? जिन्ने मुझे बोला था कि वो वॉशरूम जाके आ रहा है, पर जब ये कुछ देर तक वापस नहीं आया तो मैं खुद अर्जुन को देखने आ गई, और जब मैं आई तो इन्होंने मार दिया। घर में कितने लोग हैं? हम लोगों के अलावा तो और कोई भी नहीं है यहाँ पे। घर के अंदर आने के रास्ते कितने हैं? सर सिर्फ मेन डोर से अंदर आ सकते हैं, वो भी हॉल के रास्ते से, और हम सब हॉल में ही थे, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। फिर तो मतलब साफ है खून तुम में से किसी ने किया है। लेकिन हम में से कोई अर्जुन को क्यों मारेगा? हम सब उसके दोस्त थे। दोस्त हो या दुश्मन ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि खूनी तुम में से कोई है। सही सही, इसी शेखर ने मेरे पति को मारा है। जब हम यहाँ आए थे तो इन दोनों ने आपस में बहस की थी। सर यही इसी ने मारा मेरे पति को। सर झूठ बोल रही है। सर माना कि मैं अर्जुन को पसंद नहीं करता था, पर मैं अर्जुन को क्यों मारूंगा सर? कि जो कुछ भी हुआ है पिछले 20 मिनट में हुआ है, तो इस दौरान हॉल से बाहर कितने लोग गायब हुए थे? क्यों राजेश? राजेश तू बीच में बाहर गया था ना? हाँ गया था। तुम लोगों के लिए नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स लाने। वैसे देखा जाए तो घर तो राजेश का है। और वैसे भी राजेश, सीआईडी बोल रही है कि तेरे पड़ोसी की मौत इसी घर में हुई है। सही है, तुम सब अब मेरे खिलाफ हो गए। हाँ और कोवीर, मैंने भी तुझे बहुत टाइम से हॉल में नहीं देखा था। और धर्म तू भी तो फोन उठाने के बहाने कहीं बाहर चला गया था। क्या कहने का मतलब है तेरा? हाँ खून मेरे करा है। देख तू अपने गुनाह ना मेरे सर पे मत डोल, समझा रहा हूँ तेरे को मैं। हाँ राजेश, खुद को बचाने के लिए हम पर इल्जाम मत लगा, समझा तू? खून तो तुम लोग भी कर सकते हो ना। तेरी पुरानी आदत है हमेशा तू ऐसा ही करता है। तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तेरे को मैं शुरू से जानता हूँ, तो हमेशा ऐसा करता है। चुप हो जा, सब चुप हो जा, कोई नहीं बोलेगा। खून हुआ है तो खून के छींटे भी उड़े होंगे खूनी पर, अभी पता चल जाएगा। पूर्वी जरा गाड़ी में से यूवी लाइट लेकर आओ, इनके हाथ चेक कर लेते हैं। सर अब सर लाइन में खड़े हो जाओ, चलो। सुना नहीं क्या? चलिए मैडम आप भी आइए। मैं सर आपको लगता है कि मैंने अपने पति को मारा है? फिलहाल तो सब लोग शक के घेरे में हैं, तो जितना कहा जाए उतना करिए प्लीज। सर किसी पे भी कोई खून का निशान नहीं मिला। बहुत चालाक है खूनी। पूर्वी पंकज को बोलो बॉडी फॉरेंसिक लैब भेज दे और इन सब की कुंडली निकलवाओ। सर कोई घर से बाहर तो गया नहीं है, मतलब खून करने का हथियार यहीं कहीं घर में छुपाया होगा। तुम जरा इन लोगों से निपटो।
तब तक हम लोग घर छान मारते हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला राजेश? कौन सा झूठ सर? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हमें यह पता चला है कि कल तुम्हारा मोबाइल फोन का लोकेशन यहीं आसपास ही था, और सिर्फ यही नहीं, तुम यहां 3 दिन पहले भी आ चुके हो। सच है या नहीं? जी वो सर, अब जो कुछ बोलोगे सच बोलोगे, कोई झूठ नहीं। हाँ सर, मैं आया था, लेकिन सर सिर्फ कुछ घंटों के लिए। बहुत सालों बाद पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रहा था, इसलिए सर बस यहाँ के अरेंजमेंट्स देखने आया था। सालों से यहाँ पर कोई रहता नहीं है ना सर, इसलिए बस। यहाँ सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो उन दोनों पति पत्नी को जानते हो, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो यही हुआ तुम्हारे बंगले में। सर मेरा यकीन कीजिए, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता सर। क्या किया तुमने उसके पति के साथ? कहाँ है वो, जिंदा भी है या नहीं? अरे सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, और मेरा क्या लेना देना उन लोगों से। तो तुम ये कहना चाहते हो कि बाहर से कोई तुम्हारे घर के अंदर आके ये सब कर गया है, और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? हो सकता है सर, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूं। सर ये 10 साल पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला है। कॉलेज में हुए मजाक पर छात्रा ने की आत्महत्या। मीरा नाम की एक लड़की ने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। मतलब आप लोगों का ग्रुप पहले भी इस तरह के हादसे में शामिल था? नहीं नहीं वो मैं तो थी नहीं, मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी मौत में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हुआ क्या था? सर हुआ यूं था कि हम सब ने मिलकर मीरा के साथ एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन उसने वो बात अपने दिल पे ले ली और सुसाइड कर लिया। छोटा सा मजाक था वो? हाँ तुम सबने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी, और सर बाद में वो वीडियो सारे कॉलेज में दिखा दी। सर पर हम सबको नहीं पता था कि वो इस बात पर ऐसे रिएक्ट करेगी और आत्महत्या कर लेगी। जी सर ये बहुत पुरानी बात है, और वैसे भी इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी? अभय वो वीडियो पूरे कॉलेज में तुम ही ने फैलाया था। मैंने? मेरी कोई गलती नहीं थी। नहीं गलती हम सबकी थी यार, लेकिन फंसे हम चारों, सस्पेंड हम चारों हुए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, कि मेरा करियर खत्म हो गया। तुम सबको तुम्हारे किए की सजा मिली, तुम सब इसी के लायक थे। अच्छा तुमने हम सबको यहाँ पे मीरा की मौत का बदला लेने बुलाया है? पहले तुमने मेरे पति को मारा और अब तुम हम सबको मार देना चाहते हो? तुम मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना धर्म से पूछ लो, आज भी यहाँ पर सब जानते हैं कि धर्म अब भी तुम्हें चाहता है। हो सकता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने अर्जुन को रास्ते में से निकाल दिया। शेखर क्या बकवास कर रहा है तू? लड़ो मत, हो सकता है हम सबकी जान खतरे में हो। रिया वैसे ये रीयूनियन का प्लान तुम्हारा था ना, इतने सालों बाद तुम्हें हम सबकी याद कैसे आ गई? क्या कहना चाहती हो तुम? अर्जुन को मैंने मारा है? हो भी सकता है, कॉलेज टाइम से तू ऐसी है ना, लोगों को अपने इशारों पे नचाने वाली।
वाह भाई वाह, क्या बात है। तुम सब अपने आप को दोस्त कहते हो, हाँ? जरा सी मुसीबत की आ गई, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए तुम लोग। आप सही कह रहे सर, यहाँ कोई दोस्त नहीं मेरा, मुझे किसी शक्ल ही देखनी है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्यों? अब तुम्हें अपने पति के कातिल के बारे में पता नहीं करना? हो सकता है कि तुमने अर्जुन को मारा। शेखर, अपनी हद में रहो। सर, अभिजीत, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कैसे हुआ? बिल्कुल यार, ये बेसमेंट में मुझे हथियार मिल गया था और ग्लव्स भी मिल गए, लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से हमला कर दिया। हमला किया? तुम लोगों से कहा था मेरे साथ में रहने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। जब मैं राजेश से पूछताछ कर रहा था तो आप में से कोई बाहर गया था? यहां से कोई बाहर गया था? मैंने पूछा, हॉल से कोई बाहर गया था? सर, वो मैं वॉशरूम गया था। सर, सर मुझे थोड़ी सी जरूरी दवाइयां चाहिए थी, मैं बस सिर्फ गाड़ी तक गया था। सर, टेंशन इतनी थी, मैं पानी पीने गई थी किचन में। पानी पीने गई थी? और बाकी के लोग? सर, मैं तो इधर ही थी। सर, वो मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आया था, इसलिए मैं बाहर गया था। सर, मैं तो आपके साथ ही था पूरा वक्त। खूनी के पास इतना वक्त तो नहीं था कि तुम पर हमला करने के बाद हथियार कहीं छुपा के यहाँ पे वापस आ जाए। सर, जल्दबाजी में वो हथियार छुपाने के चक्कर में खूनी ने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। सर, तुम ठीक कह रहे हो, खूनी कितना भी चालाक क्यों ना कोई गलती जरूर करता है। और सबूत अभी भी घर के अंदर ही है। ये मास्क और ग्लव्स बाहर फेंक दिया था। सर, शेखर ने बताया था कि वो अपनी दवाइयां लेने बाहर गाड़ी तक गया था। मुझे थोड़ी सी जरूरी दवाइयां चाहिए थी, मैं बस सिर्फ गाड़ी तक गया था। कहीं ये काम शेखर का तो नहीं? हो सकता है, लेकिन ये गीला है। गीला? लेकिन बाहर बारिश वारिश तो हुई नहीं ना? ये बात खटक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे छुटकारा पाने के लिए बाथरूम में फ्लश फ्लश कर दिया हो, जब अटक गया तो बाहर फेंक दिया, धर्म गया था वॉशरूम। मैं वॉशरूम गया था सर। ओह, ये धर्म दो बार जेल जा चुका है, नहीं यही तो नहीं है? धर्म, तुम शायद सीआईडी के चुंगल से आज तक कोई बच नहीं पाया, समझा? सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? है? वो सर, मैं वो बोलता है कि तू? सर, मैं घबरा गया था। सर, एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले एक चोरी के मामले में जेल में बंद था मैं, और परोल पे बाहर आया हूँ। सर, मैं बहुत डर गया था कि कहीं सारे इल्जाम मेरे सर पे ना आ जाए। सर, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, खून इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? खोली, लाइट भी नहीं, भाग रहा है। साथ में चल, मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। अरे देखिए, आप लोग मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे
सर, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर गोली किसने चलाई होगी? सर, सबकी जान खतरे में सर, और खूनी कौन है हमें पता भी नहीं। सब लोग फैल जाओ। पंकज, मेन स्विच देखो, खूनी ने जानबूझ के बंद किया होगा। गोली किसने चलाई? मुझे नहीं पता। बाहर आओ। मैं प्लीज हमें बचा लो, वो हमें मार देगा, वो हमें मार देगा। कौन मार देगा? सारे खून या भाई कर रहा था। थोड़ी देर पहले वीर पे चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहा था। यह अभय भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। एक सबूत मेरे हाथ भी लगा है। किसका लॉकेट है ये, कोई पहचानता है? क्यों वीर, तुम भी नहीं पहचानते इसे? सर, मैं नहीं जानता किसका है। ऐसे तो फिर तुम्हारी फोटो इस लॉकेट में कहां से है? और ये लड़की कौन है? लड़की ये तो सुप्रिया है, ये तो वीर के ऑफिस में काम करती है। तुम्हारी यह हालत किसने की? कौन हो तुम? मेरा नाम प्रिया है, मेरी मदद करो। प्रिया इस पार्टी में आई थी? नहीं सर, ये पार्टी में नहीं आई थी। तो
फिर उसका ये लॉकेट यहाँ कैसे? सच बताओगे यहाँ? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्रिया यहाँ क्या कर रही थी, ये लॉकेट यहाँ कैसे है मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो तुम, क्या किया तुमने प्रिया के साथ? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, 10 साल बाद तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और वैसे भी प्रिया क्या कर रही थी यहाँ पर मैं नहीं जानता। अभिजीत, कौन हो तुम? सर अभय। अभय 5 साल पहले मर चुका है। क्या? सर अगर अभय 5 साल पहले मर चुका है तो ये हम सब के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? क्योंकि तुम में से किसी ने इसे अभय के बारे में सब कुछ बताया है। सर वो कौन? वो भी पता चल जाएगा। हाँ दोबारा। इसमें तो कुछ नहीं है। किल प्रिया। किल अर्जुन, किल वीर, किसका नंबर आई है? किसका नंबर आई है? सर मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, बस मैसेजेस आते थे और इस काम के पैसे भी मिल चुके हैं मुझे। किसका पर्स है? ऋषिमा का पर्स। क्यों किया ये सब? क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वीर और प्रिया का अफेयर है। प्रिया के पास में बहुत पैसे थे ना, और उन पैसों के लिए वीर मुझे छोड़ के प्रिया के साथ भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं वीर को इतनी आसानी से नहीं माफ कर सकती थी, इसीलिए मैंने प्रिया को किडनैप करने का प्लान बनाया, और सारे पैसे, सारे ज्वेलरी उसने कहाँ रखे हैं ना, वो जान लो। और पता चलते ही तुमने प्रिया को मरवा दिया, लेकिन तुमने यहाँ के पड़ोसियों को क्यों मरवाया? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, वो सब तो फालतू में मर गए, प्रिया की मदद करना चाहते थे ना। और वीर इसको तो मैंने मारने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था, इतने सारे लोगों के बीच में अगर वो मर भी जाता तो किसी को शक नहीं होता ना कि मैंने उसको मारा है, इसलिए। और ये नकली अभय, इसको अभय बना के क्यों लाए यहाँ पे? यही तो प्लान था सर, जब असली अभय मर चुका है और अगर नकली अभय गायब हो जाए तो सब इसी बात में उलझे रहेंगे ना कि खून किया तो आखिर किया किसने। वाह, तुम्हारे इस प्लान ने 4-4 मासूम लोगों की जान ले ली। ऐसे जुर्म के लिए कानून में भी एक प्लान है, फांसी का। ले जाएंगे, चलो। अरे अरे क्या 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 कर रहा है?
अरे क्या हुआ सर? बहुत अच्छा हुआ सर, ये केस जल्दी से सॉल्व हो गया। तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो, ऐसी क्या बात? सर 23 तारीख आ रही है ना? तो? अरे सर 23 तारीख को सोनी टीवी पर रात को 9 बजे कपिल शर्मा का शो आने वाला है सर, इसलिए अंदर की खुशी बाहर आ गई। ये बात तो है यार, कपिल का शो तो सारा देश इंतजार कर रहा है। हाँ सर, आपको पता है, आपको पता है पहला गेस्ट कौन है सर? शाहरुख खान। आई गॉट सो एक्साइटेड। ठीक है तो 23 तारीख को आप सब लोग मेरे घर पर आ जाए, मैं खाने का इंतजाम भी कर दूंगी और हम सब मिलके कपिल का शो एंजॉय करेंगे।